नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मिश्रा और ये जो वीडियो है ये है बजट गेमिंग पीसी सीरीज का पार्ट टू वीडियो। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे मेरे पास कि हमें एक बजट गेमिंग पीसी बनाना है, आप हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और इसमें हम क्या यूज़ करें, आप मुझे बताइए राइजन अच्छा रहेगा, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे। तो एक वीडियो इस पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसका जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, एक तो मैं आपको इस पीसी का स्पेक्स बताऊंगा और आपको लाइव डेमो भी बता दिखाऊंगा इसका, कि आप इसमें गेम प्ले करेंगे तो कौन से गेम आपको इसमें प्ले कर सकता है पीसी, और कितने एफपीएस पे कर सकता है, और आपको कैसा एक्सपीरियंस आने वाला है वो हम लाइव देखेंगे। पहले मैं आपको इस पीसी की स्पेक्स और इसके प्राइस के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो हमने ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है वो है RX 570, SNPS यूज़ किया है इसमें 500 वॉट का, कूलर मास्टर का SNPS है इसमें। और जो इसमें रैम की जो मेमोरी है वो है 8 GB, 8 GB का इसमें रैम है। और इसमें जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो किया है जियोन E3 1220, जो कि S61 मदरबोर्ड पे लगता है। और इसका अब हम लाइव डेमो देखेंगे। और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको मात्र 18,000 रुपये का पड़ेगा, और आप इसकी एक बार गेमिंग देख लें कि कितने कमाल का एक्सपीरियंस आपको ये गेमिंग का देता है। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे कि कैसा ये एक्सपीरियंस देता है और हमें गेम्स में किस तरीके का, मतलब ये इसमें कलर वगैरह और जो है इसमें स्मूथनेस आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कार्ड लगा हुआ RX 570, और प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर है इसमें जियोन का E3 1220, जो कि S61 मदरबोर्ड पे लगता है। SMPS इसमें 650 वॉट का, कूलर मास्टर। और रैम की बात करें तो रैम इसमें वैसे शायद ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन 8 GB में भी आपका ये काम कर जाएगा। इसमें प्ले करके देखते हैं फार क्राई 5, जैसा कि प्ले गेम मैंने पीछे प्ले कर रखा है। तो वैसे मुझे ये गेम खेलना नहीं आता है और ना ही मुझे ये गेम पसंद है, मैं बस आपको इसका प्लेबैक दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि प्लेबैक में कोई भी इशू नहीं है, आप इसे अल्ट्रा पे चलाएं कैसे भी यूज करें, मतलब प्लेबैक में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस पर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में तो आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी गेम आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा गेम, हम इसमें प्ले कर रहे हैं जो है कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और ये भी आप काफ़ी आसानी से इसको प्ले कर सकते हैं किसी भी रेजोल्यूशन पे। ये मुझे फार क्राई 5 से थोड़ा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसको आप आराम से अपना खेलते चले जाओगे। जा मुन्ना, thank you.
जैसा कि आप देख सकते हैं इसके प्लेबैक में कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गेम प्लेबैक कर सकते हैं इसमें। तो जैसा कि आपने इसको देखा कि इसका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है और इसका प्राइस भी मात्र 20,000 रुपये है और इसको आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका नाम है taskari.in, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शिपिंग चार्ज आपको एडवांस देना होगा और हमारा जो कोरियर जाता है वो ज़्यादा डिलीवरी और डॉट डॉट से जो कैश ऑन डिलीवरी आपको प्रोवाइड करा देता है, आप सब लोग इसे जानते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।